आए थे, देख के आते हैं कि पानी कहाँ तक लगे और कितना है ये देखना आए थे हम। यहाँ पानी पानी नजर आ रही है, ये देखना आए थे हम भी। पानी ज्यादा है कम है? आगे चल के ज्यादा है, यहाँ आधा आधा घुटने डूब रहे हैं बस, और आगे चल के ज्यादा है। अच्छा, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ भी हो? हाँ, बच्चे एंजॉय करने आ रहे हैं पानी को देख के। तो अभी मैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ यहाँ पे ये देखने आया था भाई राजघाट के पास क्या माहौल है, क्योंकि जब मैं टीवी में देख रहा था तो दिखा रहे थे काफ़ी ओवरफ्लो हो गया था, काफ़ी ऊपर तक था पानी, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा कम हुआ है। खट्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि विपत्ति हरियाणा से आती है, चाहे पानी ना देना हो तो भी हरियाणा करता है, और जब नहीं देना तब जबरदस्ती देना हो वो भी काम हरियाणा करता है। क्यों करता है? हथनीकुंड बराज यहां से 228 किलोमीटर दूर है। हथनीकुंड बराज से तीन जगह पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना। वेस्टर्न कैनाल का पानी दिल्ली में आता है तो आप वहां खूब पानी छोड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। यमुना का पानी सीधा दिल्ली में आता है, आईटीओ, वजीराबाद, ओखला, पूरा दिल्ली के मेन एरिया से निकलता है, आप वहां भी पानी छोड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेस्टर्न कैनाल जो उत्तर प्रदेश जाता है हरियाणा से होता हुआ, उसमें आप पानी नहीं छोड़ रहे, इसका कारण बताइए। जो एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश हुई पहाड़ों के अंदर, हिमाचल के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ गया था, हमारे भी यमुनानगर में, अम्बाला में और करनाल में कुछ गांव में पानी भर गया। हमने तुरंत जो है प्रशासनिक कार्रवाई की है, लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, मवेशियों के लिए चारा की समस्या है, इसका प्रबंध किया है। और अब जो पानी निकल जाएगा तो लोगों की फसल खराब हुई है उसका भी आकलन करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर आदमी के उसके नुकसान की हम भरपाई करें। और इसमें जो बाढ़ जो ऊपर से पानी आया है, इससे हरियाणा के भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ऊपर पंजाब में भी पानी काफ़ी जगह गया है, दिल्ली में भी गया है, तो हमने जो प्रबंध करने थे, व्यवस्था करनी थी, हमने पूरी कोशिश की है।